पाकिस्तान के कराची में स्टाफ एक्सचेंज पर हुआ एक बड़ा आतंकी हमला, 5 की मौत। हिजबुल टॉप कमांडर मसूद थे, डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया सवाल के बाद अब जम्मू का डोडा हुआ आतंकी मुक्त। आईसीएमआर ने चंडीगढ़ पीजीआई को सौंपी रैपिड टेक्निक, ट्रायल सफल रहा तो 15 मिनट में आएगी कोरोना रिपोर्ट। हरियाणा में विधायकों के फोन नहीं उठाने वाले अधिकारी अब सजा के दायरे में, विधायक को रखने होंगे एक दिन में 3 कॉल्स के रिकॉर्ड। कैथल में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शहर में 9 कोरोना पॉजिटिव केस मिले, इन लोगों के ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, दिल्ली और मुंबई। इसके साथ ही निजी अस्पताल के डॉक्टर के कुक और उसकी पत्नी भी कोरोना। कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईजी अनिल कुमार राव ने आज शिवालिंग की तहलहटी में बसे पंचकुला में अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर यानी डीएआरसी का उद्घाटन किया। ड्रोन के विभिन्न उपयोगों की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ड्रोन का उपयोग बड़ी घटनाओं या सभाओं, कानून प्रवर्तन सीमाओं पर आवाजाही की निगरानी के लिए, सटीक हवाई फोटोग्राफी के लिए किया जा सकता है। मोहाली से सटे गांव बड़माजरा में गत रात देर रात हमलावरों ने एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान संजय यादव के रूप में हुई है। मृतक अपने पीछे अपनी पत्नी और एक 5 साल की बेटी को छोड़ गया। अमृतसर में सोमवार की सुबह दिन दहाड़े एक घर में लुटेरे ने पुलिस की वर्दी में आकर डाका डाला। लुटेरे घर वालों को बंदी बनाकर नकदी व गहने लूट कर भाग गए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।